फाइनली हम पहुंच चुके हैं बिजली महादेव, जैसा कि आप बोर्ड देख रहे हो। ये एंट्री गेट है, सिर्फ गेट ही है और कुछ नहीं है आसपास, बस ऐसे बना हुआ है। जय बिजली महादेव, हर हर महादेव। हम पहुंच गए महादेव के दर पे, हम पहुंच गए आखिरकार। मेहनत रंग लाई और हम माउंटेन के टॉप पे हैं। बिल्कुल नज़ारे बाद में देखेंगे, पहले तो महादेव के दर्शन करेंगे। ये देखो नज़ारे, सांस थम जाए ऐसा नज़ारा है। पहुंच गए, हम पहुंच गए महादेव के पास। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हवा की स्पीड क्या ही बताएं आपको। देखो मंदिर के अंदर फोटो खींचना सख्त मना है, फोटो खींचने पर दंडित किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ क्या गुलाब है, हाय हाय हाय, ये गुलाब देखो। नहीं भाई, फूल बिल्कुल नहीं तोड़े। हर हर महादेव। कृपया जूते हैं उतारे जरूर, हम यही उतारेंगे। आप देख सकते हो पूरा जूता स्टैंड बिल्कुल खाली है, दो चार जूते पड़े हैं। हर हर महादेव। बिल्कुल नहीं, हम मंदिर में गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। एक लकड़ी कितनी बड़ी, हाँ मीनार जैसी। ये देखो आप, शायद बिजली गिर गिर के ही ऐसी हो गई है ब्लैक रंग की। जय बिजली महादेव। ये है मुख्य मंदिर, सर्वोत्तम तथा सर्वोत्तम तप स्थान मथाना 7874 फुट की ऊंचाई पर है। सदा शिव इस स्थान पर तप योग समाधि द्वारा योग युगांतरों से विराजमान है। सृष्टि में वृष्टि को अंकित करता हुआ यह स्थान बिजली महादेव चार अंतर असुर के वध से संबंधित है। दूसरे नाम जैसे कुलांत पीठ भी कहा गया है। सात परोली भेकल के अंदर भोलेनाथ दृष्टान्त भावन मदन कथा से नांडे गवाले द्वारा संबंधित है। देव
कार्यवाहक मधानी जवारी को प्रांत हुए जिसमें पुजारी आदि संबोधित है। यहाँ आकाश से बिजली गिरती है, कभी ध्वजा पर तो कभी शिवलिंग पर। जब पृथ्वी पर भारी संकट आन पड़ता है तो भगवान शंकर जी जीवों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर बड़े भारी संकट को सृष्टि रूपी लिंग पर अपने ऊपर बिजली प्रारूप द्वारा सहन करते हैं, जैसे बिजली महादेव यहाँ विराजमान है।